नमस्कार दोस्तों, लव मंत्र उपाय यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक अनोखा महाशक्तिशाली वशीकरण उपाय। जी हां मित्रों, इस उपाय की सबसे ज्यादा इन दिनों डिमांड थी और लोगों ने जो भी मेरे को मैसेज और ईमेल किए हैं और कॉल्स किए वो इसी चीज के लिए किए हैं, जो कि उनके कहने पे और आपके निवेदन पे मैं बहुत ही सिद्धिग्रहण करके इस यंत्र को और इस विधि को आपके सामने लेकर आया हूं। जी हां मित्रों, हमारे द्वारा पूजा पाठ करके वह सिद्ध किया हुआ ये यंत्र है और ये विधि है। कृपया इससे पहले गुरुदक्षिणा के रूप में आप हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आगे चलकर हम आपको और भी टोटके वे मंत्र बता पाए। मित्रों, आज का जो उपाय है, वशीकरण उपाय है, वह है किसी से अपना पीछा छुड़वाने का। जी हाँ मित्रों, जो लोग यदि अपने दुश्मन से, कई लोग होते हैं अपनी बीवी से, कई पत्नियां होती हैं जो अपने पति से या प्रेमी प्रेमिका से या प्रेमिका प्रेमी से, यदि आप किसी का पीछा छुड़वाना चाहते हो, यदि आपके बच्चे हैं और वे किसी अन्य व्यक्ति के संगत में आ गए हैं, ऐसे व्यक्ति की संगत में आ गए हैं जिससे कि आपको उसका फ्यूचर सामने खत्म होता दिखाई दे रहा है और आपको लग रहा है कि इस व्यक्ति की संगति से वह दूर हो जाए और हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए और दोनों के अंदर एक ऐसी गर्माहट आ जाए कि वे एक दूसरे को देखना तक पसंद ना करें। जी हाँ मित्रों, इस मंत्र व इस विधि के द्वारा आप किसी को भी अपने से दूर कर सकते हैं, उसे पीछा छुड़वा सकते हैं। जी हाँ मित्रों, इससे पहले मैं आपको कुछ एक बातें बता दूं। आप इस कार्य इस विधि को पूरे तरीके से पहले समझें, देखें और जाने, उसके बाद ही आप इस विधि को करें और वीडियो को पूरा देखें। अंत तक देखने के बाद ही आपको विधि समझ में आएगी और फिर ही आप इस कार्य को कर पाएंगे। और मित्रों, जहां तक है किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए और अपने निजी स्वार्थ के लिए, आप कभी भी किसी को इस मंत्र का किसी पर प्रयोग न करें, ताकि किसी को हानि ना हो। ज्यादातर आप सकारात्मक कार्यों के लिए, वह किसी के अच्छे के लिए या अपने भले के लिए, या अपने रिश्तेदार, अपने बच्चों के, वे अपने रिलेटिव किसी रिश्तेदार के लिए भी यदि आप प्रयोग करते हो तो उसके सकारात्मक कार्यों के लिए करें, ना कि यदि आप किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना से करते हैं, आपके दिल में द्वेष है तो ये उल्टा आप पर ही पड़ सकता है और इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। तो मित्रों, मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपको चलिए विधि शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक दिन डिसाइड करना है। मैं आपको बता दूं, आप आने वाली कोई भी अमावस को, किसी भी अमावस की रात्रि को इस कार्य को कर सकते हैं। किसी भी आने वाली अमावस की रात्रि को आप इस कार्य को आसानी से कर सकते हैं। यह कार्य केवल रात्रि में करें, रात्रि के लगभग शाम के 8 बजे से लेकर रात्रि के 1 बजे तक कर सकते हैं। जो आपको कंफर्टेबल समय लगे उसी समय आप करें। इसे स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठना है और हरे कलर का या सफेद कलर का आसन लगाना है। इन दो आसनों के अलावा आपको किसी कलर अन्य का नहीं लगाना है। सबसे पहले आपको एक ब्लैक पेपर लेना है और इस पे सिल्वर, जो व्हाइट गोल्ड होता है उस कलर का पेन आता है, तो उसकी स्याही से आप एक बिल्कुल इसी तरीके का एक यंत्र बना लें। और मित्रों, यह जो चौरस डिब्बा और क्रॉस लाइनें मैंने आपको दे रखी, इसके अंदर कुछ एक अंक आपको अंकित किए हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं, ये अंक है जो एक में फर्स्ट डब्बे में मैंने लिख रखा है 3, फिर 8 और फिर 5, और यह जो मैंने अंत में अंक लिख रखा है वह है 6, और इनके ऊपर जो मैंने कुछ एक वर्ड लिख रखे हैं तो वो है नाम 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 नाम। तो जिस व्यक्ति से आप पीछा छुड़वाना चाहते हैं या किसी अन्य का पीछा छुड़वाना चाहते हैं या अपने से छुड़वाना चाहते हैं, तो उसका ही केवल इन चारों डब्बों में आपको नाम लिखना है। चारों डिब्बों में उनका ही नाम लिखे, केवल उनका ही नाम लिखना। और मित्रों, आज की जो विधि है इसके अंदर आप किसी भी मंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल आपको सिर्फ यह विधि करनी है अमावस की रात्रि के समय। और जब भी आप इस कार्य को करें तो सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान यही होना चाहिए, वे मानसिक व आंतरिक रूप से आप इस विधि के अंदर पूरे तरह डूब के मगन होकर आप इस विधि को करें। आपके भारी विचार, यदि आपके मन में भारी विचार चल रहे हैं तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे जब भी। और आपको 2 लौंग की आवश्यकता है। लौंग ऐसे लें जिनके ऊपर जो ये लौंग परफेक्ट होते हैं, इनके ऊपर वो जो दाने लगे हुए होते हैं लौंग के, वो तोड़ लें और उनको तोड़ के उनसे अलग कर लें और सीधे 2 लौंग लेने हैं आपको। सबसे पहले आपको इस जो मैंने कपूर टिक्की आपको बताई है, ये पूजा सामग्री में आसानी से आपको कहीं से भी मिल जाएगी दुकान में, इसे जला लें आप। कपूर टिक्की को आप अच्छे से जला लें। जला लेने के बाद इस यंत्र के बिल्कुल बीचों बीच रखें आप इसको, इस तरीके से।
इस तरीके से रखने के बाद आपको क्या करना है, इन दो लौंग को इसके बीच रख देना है। जी हाँ मित्रों, इन दो लौंगों को इसके बीच रख देना है और फिर आपको केवल और केवल आंख बंद करके उस व्यक्ति के बारे में सोचना है जिससे आप अलग होना चाहते हैं, जिससे आप दूर करना चाहते हैं, और बस 1 घंटे के लगभग आपको बैठे रहना है। और उसके बाद यह विधि करने के बाद आपको क्या करना है, इस राख को आपको लेना है और अपने पांव नीचे दबोचते हुए इसे जाकर बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें। या मित्रों, अगर किसी कारणवश आप इस कार्य को करने में विफल रहते हैं तो आप यह कार्य हमारे द्वारा भी कॉल करके करवा सकते हैं। इस मंत्र व विधि से जुड़ी अन्य जानकारी व सावधानियां जानने के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। इसी के साथ इजाजत चाहता हूं मित्रों, धन्यवाद।